जैसे आप बोल रहे थे कि डबल इंजन का सरकार अगर बन जाए तो लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो डबल इंजन का सरकार उड़ीसा में बनने का माहौल है? डबल इंजन का सरकार होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास और प्रोजेक्ट और जो स्कीम्स हैं वो स्टेट में लागू किया जा सकता है इजीली। तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जितने सारे स्कीम्स है इससे वंचित हो रहा है। आपके सरकार के जो फ्लैगशिप स्कीम्स है वो लोगों को यहाँ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है उसका? ये जो जगह है, खास करके ये जगह पश्चिम बंगाल, ये सब जगह में उसको अच्छी तरह से लागू नहीं कर पा रहे। दूसरी बात है, जो लागू हुआ है वो स्कीम का जो नाम है वो नाम के तहत नहीं लागू हो रहा है, ये और भी दिक्कत की बात है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वो दूसरा कुछ हो जा रहा है उसका नाम। हाँ, केंद्र बंदर और जलमार्ग राष्ट्र मंत्री संतनु ठाकुर का सह आमना सामना आज संध्या 7:30 रे।